आईपा ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन जो विकास समाज के उन्नति की बात करता है, किसानों के आय की बढ़ाने की बात करता है, देश की विकास की बात करता है। आज हम गाजीपुर बॉर्डर पे पहुँचे हैं, किसान आंदोलन कर रहे किसानों के पंडाल के पास। जो कानून तीनों बिल थे, आपको कैसे ये लगा कि ये किसानों का हितैषी नहीं है? गुरमैल सिंह सिंधु से। सर, ये जो तीनों कानून हैं, तीन जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ये अनाउंस किया है भी तीनों कानून जो है मैं रीपील कर रहा हूँ। जब ये रीपील कर रहे हैं, जब ये पिछले साल मई में जो है जब ये कानून लागू किए थे तो उस टाइम जो है ऑर्डिनेंस लाया गया था। ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब कोई एमरजेंसी होती है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, भाई फटाफट अभी करना है। यदि रीपील किया था तो इसको साथ की साथ तभी जिस दिन अनाउंस किया है उस दिन साथ में ये ऑर्डिनेंस लेके आना था। ऑर्डिनेंस ले आके लोगों को अपने विश्वास मत में रख के ऑर्डिनेंस ले आके ये बोलना था हम ये काम करेंगे, ये हम आपके कानून तीनों वापस ले रहे हैं। वापस लेने के बाद में जो मेन है आंधी MSP एन पे एन आंधी MSP पे हम जो कानून बना रहे हैं या कमेटी बना रहे हैं जो भी हैं, जो 750 जो किसान शहीद हुए हैं उनकी फैमिली को कंपनसेशन और उनको नौकरी उनको दी जाए। नहीं, सिद्धू जी की सरकार ने तो अपना एक कदम उठा लिया है। आप लोग मेन था कि तीनों किसी कानून वापस हो, तो आप लोगों की तरफ से एक कदम बढ़ना चाहिए था, परंतु वो चीज़ें ना करके आप लोगों ने एक नई लिस्ट जो आप लोगों ने खुला पत्र दिया है प्रधानमंत्री को, उसमें जिसमें 6 मांगे मांगी हैं, क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि अभी जब प्रधानमंत्री की तरफ से घोषणा की गई है तो आपको आंदोलन खत्म करके वेट करना चाहिए था कि चलो प्रधानमंत्री ने तो ये घोषणा कर दी, अब हम भी अपने तरफ से ये कदम बढ़ाएं, परंतु आप लोगों ने कहा कि नहीं, अब हम आंदोलन को आगे जारी रखेंगे, तो इससे आप लोगों के आंदोलन पे सवालिया निशान तो उठेंगे ना? सर, सवालिया निशान कैसे उठेगा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं इन्होंने कई बार बोला है, जैसे बोलो जी 15 लाख आपके खाते में जमा हो जाएंगे, वो जुमला है। कल को ये इसी को फिर जुमला बोल देंगे तो क्या करेंगे? वेयर वी यू विल लैंड, आप कहाँ लैंड करेंगे? यदि ये जुमला हो जाएगा आप यहाँ से उठ के चले जाओगे, कल को बोले ये तो हमारा जुमला था, हम तो नहीं करेंगे, तो फिर आपका क्या होगा? जो हमारा तो ये है, जैसे आपने अनाउंस किया है, अनाउंस करने के बाद में आप बैठ के कमेटी बनाई है, बैठ के बातचीत की जाए, बातचीत करने के बाद में क्या है, जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे तो क्या पता चलेगा आप क्या कर रहे हैं, आप नहीं कह रहे। आपने अनाउंस कर दिया हमने वापस ले लिए, वापस तब लिए जाएंगे जब ये इसको पार्लियामेंट में जो है ये रिपील हो जाएगा, उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा, तब इसको रिपील माना जाएगा। वैसे रिपील कैसे माना जाएगा बताओ आप? नहीं तो इसका रास्ता तो निकालना किसानों के अब हाथ में है, तो आपने कह रहा है कि उसका रिफ़िल हो जाएगा, फिर मान लीजिए रिफ़िल यदि किसान समय देती है कि हमको कुछ समय दीजिए, तो आप लोग समय देने के मूड में क्यों नहीं है? नहीं, किसान जो है किसानों ने समय दे रखा है, गवर्नमेंट के पास समय है, जो किसानों ने अपने प्रोग्राम चाकआउट किए हुए हैं वो प्रोग्राम हमारे ऐसे चलते रहेंगे, और उस प्रोग्राम में ये है हम किसी को नेशन को हार्म नहीं कर रहे, हम कोई प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम अपना जो हमारा चल रहा है ये मोर्चा चल रहा है हमारा शांतिपूर्व चल रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है? नहीं, जैसे ये तीनों किसी कानून बिल जो हैं, ये ठीक है आप लोगों का मान भी लें कि 90% लोगों का मानना है कि तीनों किसी कानून बिल, ये हम नहीं कह रहे हैं, मैंने आपके तरफ से मान लेते हैं कि 90% लोगों का कहना है कि तीनों किसी कानून बिल खराब थे। हाँ जी, परंतु 10% मान लीजिए 1% की बात करें, 2% की बात करें, चाहे 10% की बात करें, उनका कहना था कि भाई आज तक तो तीनों किसी कानून बिल तो थे नहीं, आज तक फिर किसानों की समस्या क्यों नहीं सॉल्व हो गई? यदि तीनों किसी जैसे आर्थिक उदारीकरण आया 91 में, लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, नए नए निवेश हुए, प्राइवेट सेक्टर ने अपना रोल निभाया, किसानों के पास अच्छे बीज आए, अच्छे खाद आए, अच्छे यंत्र आए, प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी घुसा हुआ है, आपके ट्रैक्टर से लेके आपके कृषि यंत्र से लेके आपके खाद दवा सब में प्राइवेट सेक्टर घुसा हुआ है। केवल एक स्टेप ये था कि वो आपके लैंड आपके उपज के मूल्य का निर्धारण करता, आपसे एग्रीमेंट करवाता,
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाता है, तो क्या ये कभी यदि ये बातें आएंगी तो सरकार की तरफ से, तो अब तो कहा जाएगा ना कि ये तो आप हम लोगों ने तो किसानों के भला के लिए किया था, आप लोगों ने इसको नहीं माना, तो किसान तो तभी भी आप दोस्तों अपने ऊपर नहीं लगी, आप ही लोगों को। सर एक बात है, जैसे ये बोलते हैं किसानों के ऊपर कैसे आएगा, जब किसानों के साथ में आपने जो है किसानों से पूछा नहीं है, आप ये बिल ले आए, आपने किसानों को कितने आदमियों से पूछा है ये हम बिल लेकर, मेरे लिए आप मेरी बात सुन लो, यदि नहीं ये नाराजगी है क्या कि हम ये नाराजगी है क्या कि कहा किसान को पहले बात करनी चाहिए थी तब सरकार से। मेरी बात सुन लीजिए, यदि किसान से पूछा जाता, किसान को पता होता मेरे साथ में ये करें, किसान से तो पूछा नहीं, अपने आप बनाया, ये जो है कॉरपोरेट के फेवर में, जैसे बिल्डर एंड बायर का होता है ना, सारा काम जो है बिल्डर अपने हाथ में ले लेता है, बायर से साइन करा, जो बायर होता है बायर से साइन करा लेता है, जहां मर्जी जो मर्जी पैसे मांगे उसको देने पड़ते हैं, ये भी तो ऐसे होगा। यदि फसल हम जैसे पेप्सी वालों ने बोला था आप आलू लगाओगे, आलू की ग्रेडिंग कर दी, ये आलू बीच वाला साइज रहेगा, ये बड़ा साइज रहेगा, ये छोटा साइज रहेगा, ना तो हम बड़ा साइज लेंगे ना हम छोटा साइज लेंगे, 60% तो हमारे उसमें से निकल गए, 40% में हमारे को मिलेगा क्या? जब ग्रेडिंग करते हैं, मशीनें आजकल आ रही हैं, मशीनें आपकी ग्रेडिंग करेंगे, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड, जब आप करेंगे उसके बाद में यदि हमारी प्रॉब्लम होती है तो हम SDM के पास जाएंगे, तो SDM तो एक करनाल में आपने देखा है बोला सिर में डंडे मारो सिर फाड़ दो, और एक SDM को एक उसको सस्पेंड कराने के लिए इतना बड़ा धरना लगाना पड़ा, आप मेरी बात सुन लो, इतना बड़ा धरना लगाना पड़ा, यदि एक किसान है एक किसान की कौन सुनने वाला है? सिद्धू जी परंतु इस आंदोलन पर यह भी एक आरोप रहा कि धान गेहूँ खेती करने वाले किसान, चाहे काउ बेल्ट कहें या जो भी एरिया है, पंजाब से लेकर वेस्टर्न यूपी चाहे वेस्टर्न यूपी, ये आंदोलन केवल उन्हीं लोगों का था, वो जो काटन वाले थे। सर गलत बोलते हैं आप। हमारे तरफ से नहीं, ये लोगों का क्वेश्चन है। सर मेरी बात सुनो, जो लोग तमिलनाडु से आए हैं, जो केरला से आए हैं, जो आंध्रा से आए हैं, कर्नाटका से आए, उनको मैं लेके आया हूँ क्या? वो कैसे आ गए? जो केरला वाले तमिलनाडु वाले आंध्रा वाले वो आ गए, उनको हम कैसे लेके आ गए? पहले इन्होंने बोला था ये पंजाब के किसान है मुट्ठी भर, जब मुट्ठी भर है तो आप इनसे बात क्यों कर रहे हो? जब आपको पता है ये मुट्ठी भर हैं तो आपको तो बात करने की ज़रूरत नहीं है, जो ज़्यादा किसान हैं आप उनसे बात करो ना, आपके पास तो आदमी नहीं है, आप तो किराए पे ले आ रहे हो हर जगह से, और जो बैठे हुए हैं आप उनको मुट्ठी भर बोल रहे हो। और एक और बात, एक हमारी माता जी बैठी थी 90 साल की, बोले जी ये 100-100 रुपये में किराए में आई हुई हैं, एक कंगना रनौत है हमारी एक जो एक्ट्रेस, आप उसको बोलो मैं उसको 5,000 रुपये हर रोज़ के दिया करूँगा, मेरे घर में आके मेरे साथ गोबर उठाए करे, और मैं जब भी बोलो मेरे से एडवांस पैसे ले लो, गोबर उठाएगी मेरे साथ में दूध निकालेगी और मेरे साथ में भैंसों को नलाएगी, और नहीं करेगी तो मैं उसके लठ मारूंगा। आप ये जानते हैं क्या कि धान गेहूं की जो फसल अवशेष जला रहे हैं, ठीक है आपके खेतों में जल रहा है वो आप मान ले रहे हैं हमारा 80% है, आपके खेतों को कितना नुकसान पहुँचा रहा है, और यदि सरकार कह रही है कि आपको खेतों को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसमें आपका भी अहित हो रहा है, इस बात को भी मान के पराली को न जलाते तो उसमें किसानों का क्या बिगड़ जाता? आप कह रहे हैं कि नहीं सर, वो सर एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोलते हैं जी पराली जलाने के लिए ऐसे होता है, जो हमारी सरकार है सरकार को ज़्यादा 7,000 या 8,000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे पंजाब हरियाणा में, हर एक आदमी जो इतनी बड़ी मशीनरी नहीं ला सकता वो मशीन ले आके आगे वो चलती जाएगी, काट के पीछे डालती जाएगी, ब्रीक ब्रीक करके डालती जाएगी, वो खेत में मिक्सअप हो जाएगा, किसान की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सी जगह पे यूनिट लगे हैं जो बिजली बनाते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के पास में एक पालम में एक कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन है, उसमें जहाज़ सिर्फ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए हैं, वो जो कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन है जहाज़ जो है मॉडिफाइड है सारा कुछ, A to Z वर्ल्ड क्लास के जहाज़ हैं, 8,400 का एक जहाज़ खरीद लेना, ये इतने पैसे 8,400 का एक जहाज़ खरीद रहे हो एक प्राली के लिए पंजाब हरियाणा में, 8,400 करोड़ रुपए की आप मशीनरी दे दो तो सारा 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 मसला ही हल हो जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी कहीं पे। जब आप इतने पैसे खर्च करते हो, जहां हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं वहां कम से कम 30-40 करोड़ रुपए हर रोज के खर्च हो जाते हैं, आप अमेरिका इंग्लैंड में कनाडा में देखो प्रधानमंत्री जा रहा है अपने बच्चों को उठा के ऐसे घूम रहा है, वहां तो उनको कुछ हो नहीं रहा। जब मेरे जैसा वो रंडवा आदमी है, अब
अब वो इतनी सिक्योरिटी किस लिए लेके घूमता, उसको सिक्योरिटी लेके घूमने का क्या कारण है, क्यों घूमना है, क्यों वेस्ट योर पब्लिक मनी, हमारा जो पैसा है पैसा क्यों खराब करना है, आप पैसा ना खराब कीजिए, वो पैसा रोटी कपड़ा और मकान, यदि हम तीन चीज़ें हम अपनी अपनी जनता को दे देते हैं तो हमारा जो है हमारा कोई भी किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं होगा। आप सरकारी हॉस्पिटल इन्होंने ख़त्म किए, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ आपको थर्मामीटर भी नहीं मिलेगा, आप सरकारी स्कूल में जाओ आपका बच्चा जो है आपका बच्चा जहां 10 पैसे में हम पढ़ते थे वहां पे आपको 55 या 60 हज़ार रुपये 3 महीने की फ़ीस देनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें जो है पेट ना पइयां रोटियां ते सबे गल्लां खोटियां, जब पेट में रोटी नहीं है तो लड़ाई तो रोटी की है ना। एक छली 49 रुपीज़ की बिक रही है, ये गेहूँ जो है 19 रुपये 75 पैसे ले के, जो 19 रुपये 75 पैसे ली बिग बाज़ार में वो 46 रुपीज़ किलो बिक रही है, सिर्फ पैक किया और अपना लेबल लगाया 46 रुपये किलो बेच दी, 46 रुपये किलो किलो किस लिए बेचना है इसका बात का भी तो पता चले ना। जैसे हमारा वो डेढ़ आँख वाला जो है बाबा रामदेव वो पिछले साल फरवरी से लेके अप्रैल तक 75 रुपये 10 किलो के ऊपर 75 रुपये बढ़ा दिए, वो काने आदमी को कम से कम तेरा कोई आगे नहीं पीछे नहीं है, अरे कम से कम यार तू भले का काम कर ले, जो भी काम कर रहा है हर चीज़ में जो है मिलावट, हर चीज़ में मिलावट, अरे यार कम से कम यू शुड फेवर टू द नेशन, आपको अपनी जनता का करना चाहिए, जनता को अच्छा खाना अच्छा पीना अच्छा सब देना चाहिए। सिद्धू जी आप ये चीज़ें बातें हुई, आप एक प्रगतिशील माने जो पॉजिटिव जो राजनीति होनी चाहिए सर, उसके लिए किसानों को क्या रोल निभाना चाहिए, इस पर एक थोड़ा सा हमें बता दीजिए। सर जो हमारी गवर्नमेंट है कोई भी कानून बनाना हो, हमारे किसान हर एक ज़िले से दो दो तीन तीन किसान लिए जाएं, जैसे ये 552 जैसे हमारी संगठन है पूरे इंडिया के, उसमें टोटल आगे 32 संगठन बने हैं जो किसान यूनियन के हैं, ऐसे करके बना के हर एक आदमी से पूछा जाए ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी में पूछ के फिर काम करना चाहिए। यदि हम कागज़ों में नक्शे बना के कागज़ों में सारा हम कर देंगे, इतना हो गया हमारी ये फिगर करके, जैसे GDP की हमने दिखाई थी, वी आर मेकिंग दी फूल टू दी पीपल, हंगर स्ट्राइक में हम हंगर में हम 141 नंबर में आ गए हैं, बांग्लादेश भी हमारे से ऊपर अच्छी पोजीशन में, तो हम हर तीसरे दिन पाकिस्तान और चीन का नाम लेकर डरा देते हैं, हमारे को उससे खतरा नहीं है, हमारी कुर्सी को खतरा है इनकी को। धन्यवाद सिद्धू जी आपको आईपा में समय देने के लिए, और इतनी अच्छी जानकारी और इतनी किसानों के हितों के बारे में आप ख्याल रखते हैं, इसके लिए आपको आईपा धन्यवाद। मैडम जी गॉड ब्लेस यू सर, हैव ए गुड डे।